शादी ने भेजी सबसे ज्यादा एंट्री या आशीष कलावा ने मारी बाजी। बाड़मेर की भावना जीतेगी बड़ोदरा के संयम से या फिर महाराष्ट्र की प्रीशा हराएगी राजस्थान की वान्या को। बस अब थोड़ा सा इंतजार। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। ब्रिटेन के यात्रियों की सूची से राजस्थान में खलबली मची हुई है। यूके में कोरोना के नए स्ट्रेन पर चिकित्सा विभाग की पैनी निगाहें हैं। चिकित्सा विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को अलर्ट जारी कर दिया है। 23 और 24 दिसंबर को यूके से आए 811 लोगों की सूची भेजी गई है। सर्वाधिक 333 यात्री राजधानी जयपुर में यूके से आए हुए चिन्हित हुए हैं। वहीं अजमेर में 70, अलवर में 48, बांसवाड़ा में 1, बाड़मेर में 7, भरतपुर में 2, भीलवाड़ा में 12, बीकानेर में 13, बूंदी में 6, चूरू में 22, दौसा में 4, धौलपुर में 4, श्री गंगानगर में 38, हनुमानगढ़ में 1, जैसलमेर में 2, जालौर में 1, झालावाड़ में 4, झुंझुनू में 24, जोधपुर में 73, कोटा में 38, नागौर में 9, पाली में 3, राजसमंद में 2 और सीकर में 9। इसके अलावा सिरोही में 2, टोंक में 5, उदयपुर में 43 और 35 यात्री ऐसे चिन्हित किए गए जिनके एड्रेस उपलब्ध नहीं है। इन ब्रिटेन से आने वाले प्रत्येक यात्री पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। आरटीपीसीआर नेगेटिव आने के बावजूद ऐसे सभी यात्रियों को 7 दिन तक क्वारंटीन रखा जाएगा। इस दौरान यात्रियों का एक बार फिर से कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। मेरे सहयोगी विकास मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, राजस्थान के लिए अपने आप में एक अलार्मिंग खबर है, क्योंकि जिस तरीके का नया स्ट्रेन ब्रिटेन में आया और उसके बाद कहा गया कि उसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, अगर राजस्थान में इतने ज्यादा यात्री ब्रिटेन से आए हैं तो अलर्ट सिचुएशन और सतर्क रहने की जरूरत। बिल्कुल विजेंद्र, ये जो स्ट्रेन था, चिंता की बात यही थी कि स्ट्रेन है, इसकी मोर्टेलिटी रेट तो भली कम है लेकिन जो स्प्रेड है वो बहुत ज्यादा है। 70% अधिक स्प्रेड स्प्रेड है, उसको देखते हुए चिंता का विषय था। और जब इस पूरे मामले में पूरी पड़ताल की गई, 22 तारीख को पूरे देश भर के अंदर ब्रिटेन से आने वाले जो यात्री हैं उनके लिए जो फ्लाइटें चल रही थी उन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन इससे पहले जो भी यात्री राजस्थान पहुंचे हैं या पूरे देश में पहुंचे हैं उन सबको लेकर के केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार गंभीर है। और ऐसे सभी यात्रियों की पूरी सूची जो है केंद्र स्तर पर बनाई गई थी, जिससे सूची कल देर शाम राजस्थान पहुंची है, जिसमें एक बड़ा चिंता वाली बात यह है कि राजस्थान के अंदर 811 लोग जो है 23 और 24 दिसंबर को यूके से आए हैं। और ये जो लोग हैं वो लोग हैं जो कि ब्रिटेन और ब्रिटेन के आसपास के जो इलाके हैं वहां से राजस्थान पहुंचे हुए। सबसे ज्यादा 333 लोग हैं वो अकेले जयपुर के अंदर यूके से, अजमेर में 70, अलवर में 48, बांसवाड़ा में 1, बाड़मेर में 7, भरतपुर में 2। बिल्कुल विकास, ये पूरी डिटेल हम बता चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिनको ट्रेस कर लिया गया उनके साथ दिक्कत नहीं, लेकिन 35 यात्री ऐसे हैं जिनको चिन्हित नहीं किया गया क्योंकि उनका एड्रेस उपलब्ध नहीं, उनका क्या किया जाएगा? देखिए विजेंद्र, जिनको चिन्हित कर लिया गया है ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को चिन्हित जो किया गया है उनके घर पे पहुंच के उनकी स्क्रीनिंग करना, उनके साथ ही उनकी टेस्टिंग करना। और टेस्टिंग के साथ ही सबसे बड़ी सवाल यही है कि जो टेस्ट है आरटीपीसीआर टेस्ट में अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उसके बाद में उनमें वो स्ट्रेन है या नहीं, जो बदला हुआ स्ट्रेन है वो स्ट्रेन है नहीं, इसकी जांच करना ये महत्वपूर्ण बात है। और उसके लिए वायरोलॉजी लैब जो पुणे है उसके अंदर सैंपल भेजा जा सकता है। साथ ही राजस्थान के अंदर एकमात्र एसएमएस के अंदर जीन साइटोलॉजी की जो लैब है वहां पर भी इसकी जांच की जाती है। तो ये तमाम इश्यूज है, इसको लेकर पूरा अलर्ट जारी किया गया, हर डीएम को अलर्ट जारी किया गया कि जितने भी यात्री भेजे गए हैं इनको सभी को सूचीबद्ध किया जाए, इनको टेस्टिंग की जाए कहाँ पर ही है, उनको क्वारंटाइन किया जाए। साथ में जो भी यात्री पहुंचे उनके शहर को 7 दिन फ्लैट रखा जाए, 7 दिन बाद में भी अगर वो उनकी तबियत ठीक है तो उनका एक बार दोबारा से आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाए, ताकि इस बात को लेकर श्योरिटी की जा सके कि जो ब्रिटेन के अंदर जो जो स्ट्रेन है वो चिन्हित किया गया है उस स्ट्रेन का राजस्थान के अंदर प्रभाव जो है वो नहीं देखा जा सके। जी बिल्कुल विकास।